ये देखिए सामने ये चामुंडा माता का टेंपल है। पुराने टाइम के अंदर जिसमें राजा युद्ध करने जाते थे तो समथिंग लाइक एक पहले बफेलों की बलि दी जाती थी, तो यहाँ पे सारा सिस्टम होता था। लेकिन अपन की पहली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जिसने यहाँ पे विजिट करने आई, तो उन्होंने जीव तक ऊपर बैन लगा दिया गया। सामने चेयर आप देख रहे हो, वो राजा का व्हाइट सिंहासन बनाया गया। कभी कोई राजा बनते हैं, जैसे लास्ट हमारे राजा बने थे 15 जनवरी 2021 को महाराव चैतन्यदास सिंह जी का, इसी चक्र बैठ के राज्य का राज्याभिषेक किया गया था। नीचे उनके राजगुरु बैठे थे, यहाँ पे पूरी लोकल पब्लिक बैठी थी। उस समय इस किले को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सर मैंने मेरी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम राष्ट्रतिलक देखा है, क्योंकि 32 साल के बाद राष्ट्रतिलक हुआ है और मैं खुद सर 30 साल का हूँ, है ना। तो जो ऑडियंस के सामने राष्ट्रतिलक होता है सिंहासन को होता है, और अंदर एक दूसरा सिंहासन रखा गया है जो फैमिली के अंदर राष्ट्रतिलक होता है उस सिंहासन के ऊपर किया जाता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि 80% ब्राह्मण पार्ट है, तो ये पूरा 80% ब्राह्मण पार्ट है और बैक साइड का 20% राजपूताना पार्ट है और बीच में राजा रानी है ना। ये राजा का पैलेस और ये रानी का पैलेस है। पुराने छोटे छोटे देखो विंडो बनाए गए, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर एक पर्दा प्रथा होती थी ताकि कोई रानी को ना देखे, तो अंदर से रानी बाहर का सब कुछ देख सकती थी और बाहर से अपन अंदर का ना देख पाए, इस हिसाब से छोटे छोटे विंडो बनाए गए। अभी अपन राजा के महल के अंदर एंट्री करेंगे, पूरा देखने के बाद जिसमें टॉप पर जगह तो पूरा जैसलमेर शहर देखेंगे और रानी के महल से एग्जिट होंगे, ठीक है सर। अभी अपन अंदर चलते हैं और इसका टिकट सर अपन अंदर ही लेंगे। सर यस, दो टिकट दिया काको, या 200 रुपीज चार्ज है जिसके अंदर मोबाइल कैमरा वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है ना। ये अपन के इंडियन रेट है और ये फॉरेन रेट है जिसके अंदर 600 रुपीज के अंदर अपन को ऑडियो टिकट साथ में मिलता है। चार दो 400 रुपये या दो टिकट कितना 400 रुपये 400 पर हेड का 200 है ना, आप दोनों का 400 हुआ ना। और यार जन्मदिन है नहीं, सही से आपको कह रहा हूं जन्मदिन नहीं है, जारी पांच। चलिए सर यहाँ पे आ जाइए 2 मिनट। अब सर इस गैलरी के अंदर मैं आपको आर्ट गैलरी के अंदर बताना चाहता हूँ। देखो सर 2003 के अंदर बिग बी यहाँ पे जय जय बच्चन के साथ में विजिट करने आए थे, तो राजा उनका वेलकम किया था। उस सबसे पूरे एक आर्ट गैलरी है, अंदर एक हमारे राजा का सबसे बड़ा नाइट ड्रेस रखा गया है। तो अमिताभ बच्चन जी इमेजिंग करें उनका, उनसे भी काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिएगा। ऊपर चल के मैं आपको बताऊँ क्या हाइट क्या वेट है। और उसी टाइम 2003 के अंदर महाराज ऑफ द जोधपुर गजन यहाँ पे विजिट करने आए थे, तो राजा उनका वेलकम किया था। उस हिसाब पूरे एक आर्ट गैलरी है। अपन जिसमें टॉप पर जाएंगे तो पूरा जैसलमेर शहर देखेंगे। सामने देखिए राजा को कुलदेव का मंदिर, श्री सोंगिया मंदिर। अपन को अंदर जाने का परमिशन नहीं है, राजा वगैरह आते हैं तभी अंदर जाके पूजा वगैरह करते हैं, है ना। और सामने फोटो फ्रेम के अंदर देखिए जो चेयर पर बैठे हाथ में घड़ी है वो हमारे राजा थे महारावल ब्रजराज सिंह जी, 2 साल पहले एक्सपायर हो गए। जो सामने खड़े लाल टर्मन वाले ये अभी हमारे न्यू किंग बने महारावल चैतन्यदास सिंह जी। ये पहले का फोटो इसी हिसाब से छोटे लग रहे 2008 का। अभी अपन टिकट चेक करवाने के बाद अपन यहाँ सब ऊपर चलेंगे। अभी अपन म्यूजियम के अंदर एंट्री कर ली है ना। अब इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, एक पूरे एक अस्तबल बनाया गया है। पुराने टाइम के अंदर जो भी सेनापति राजा से मिलने के लिए आते थे ऊंट और घोड़े पर बैठ के आते थे, क्योंकि उनके लिए पहले टाटा सफारी वही हुआ करती थी। तो नीचे पूरे एक अस्तबल बनाए गए और जो बड़े बड़े बर्तन हैं उनको पानी पीने के लिए खाना खाने के लिए रखे गए। अब आप जैसलमेर विजिट करना आए हो, जैसलमेर के अंदर क्या क्या फेमस है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे यहाँ का घोटुआ स्वीट येलो कलर का बना हुआ है, 1 महीने तक हराम नहीं होता, बस आपको फ्रिज से बाहर रखना है। मेवे का बनाया होता है धनराज रानमिल भाटी की दुकान का, सबसे ज़्यादा फेमस है। शॉर्ट फॉर्म के अंदर बात करें तो DRB उनकी शॉप का सबसे बेस्ट है घोटवा। अगर आप जैसलमेर विजिट करना है तो पक्का उसको टेस्ट करना। उसके अलावा यहाँ का एक कचौड़ी फेमस है, ऐसे तो आपने कचौड़ी सब जगह खाई होगी, लेकिन एक फतेहलाल जी खतरे एक कचौड़ी बनाए तो सबसे बेस्ट कचौड़ी। अगर आप एक कचौड़ी खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा 15 से 20 कचौड़ी खाओ, क्लाइंट वापस रिटर्न जाते तो वो साथ में पीस पैक करवा के ले जाते, इतनी अच्छी कचौड़ी है। और तीसरा यहाँ का दाल पकवान फेमस है, मैदे का बना हुआ होता है,
जिसमें सोनम कपूर की शादी होती है। सोनम कपूर कौन? अनिल कपूर की बेटी। उस समय उनका शादी हुआ था तब यहाँ से स्पेशली उनको दाल पकवान बनाने के लिए लेके गए थे। अब देखिए ये तो हो गया खाने पीने के बारे में, अब मैं आपको कार्विंग के बताना चाहता हूँ। आप ऊपर बालकनी देख रहे हो, इसको जरोखा बोला जाता है। ये हमारे सिंगल सैंडस्टोन पीस ऊपर बनाई गई, सारी हैंडमेड डिज़ाइन बनाई गई है ना, ओनली फॉर मुस्लिम जाति के द्वारा बनाई जाती है। फैक्ट्री के ऑनर भले हिंदू होंगे लेकिन जो उनके नीचे वर्कर्स काम करें ओनली फॉर मुस्लिम जाति के द्वारा होगा। इसी हिसाब से जैसे मेरे को जरोखा का शहर नगरी भी बोला जाता है ना, जैसे डिजाइन पत्थर डिजाइन बनाई जाती है वैसे आज भी लोग अपने घरों के अंदर सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले सिल्क रूट चलता था, सोना चांदी तीसरा सबसे बेस्ट ओफे मफिन है ना। तो इस हिसाब से कार्विंग का सबसे बेस्ट यहाँ पे काम किया जाता है। दूसरा एक यहाँ का हाबुर स्टोन फेमस है। जैसलमेर के अंदर सर दो पत्थर पाए जाते हैं, एक तो ये सैंड स्टोन जिससे सारे घर बनाए जाते हैं, दूसरा एक हाबुर स्टोन है ना। सर आपको हाबुर बारे में पता है? तो सर हाबुर स्टोन लोग बोलते हैं यहाँ पे 1800 करोड़ साल पहले यहाँ पे समुद्र हुआ करता था। समुद्र जैसलमेर की गर्मी की वजह से सूखे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो समुद्र सूखने के बाद समुद्र के अंदर जो भी थे जीव जंतु वनस्पति पेड़ पौधे अब सारी फॉसिल्स बन गए। अब फॉसिल का क्या फायदा होता है? उस फॉसिल की पत्थर की गिलास से बनाई जाती है, उस गिलास के अंदर नाइट के अंदर पानी भर के रखो और सुबह मॉर्निंग में आपको पानी पीना है, कुल्ला भी नहीं करना, फ्रेश होने से पहले पानी पीना है। पानी पीने पर जॉइंट पेन कलस्ट प्रॉब्लम मस्कुलर प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व होता है। बिना मेडिसिन लिए करना कुछ उसके अंदर नाइट के अंदर पानी भर के रखना, सुबह आपको मॉर्निंग के अंदर पानी पीना है। अगर आप 2 से 4 महीने के अंदर कंटिन्यू पानी पीते हो तो ऑटोनोमिक धीरे धीरे बॉडी के अंदर चेंजिंग आएगा, तो सबसे बेस्ट है। दूसरा एक हमारे सैंडस्टोन के बाउल्स बनाए जाते हैं, जैसे अपन घर के अंदर प्रॉपर दही जमा देते हैं, दही जमाते हैं रहता है पानी आता है परफेक्ट नहीं बनता है, तो आप इस सैंडस्टोन के अंदर दही जमाइए। एक्चुअली इसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा भरोग आधा हो जाएगा। और दूसरा सैंडस्टोन के बाउल्स आप माइक्रोवेवन के अंदर भी यूज कर सकते हो, कुछ खाना हो कुछ पकाना हो तो आराम से यूज कर सकते हो। तीसरे हाबुर स्टोन को कुछ छोटे छोटे पिरामिड्स बनाए जाते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में चेंज करते हैं। जैसे घर के अंदर अपन का तालमेल अच्छा नहीं चल रहा है या फिर बिजनेस अच्छा नहीं चल, वह पिरामिड देखिए, जितना पिरामिड दिखेगा उतना ही पिरामिड वर्किंग करेगा। अब मैंने बोला आपने यकीन किया, कोई यकीन नहीं करता। आपके पास गूगल है मोबाइल है उसके अंदर लिखोगे बेनिफिट ऑफ द हाबुर स्टोन तो पूरा डिटेल उसके अंदर मेंशन है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हाबुर गाँव है, अभी उसको पूनम नगर के नाम से बोला जाता है। ये पत्थर वहीं पर ही बन के निकलता है। पूना के डॉक्टर हैं, उन्होंने इस हाबुर स्टोन के ऊपर भी सर्च किया था, इसी वजह से पत्थर सप्लाई होता है, तो सबसे बेस्ट है ना। अब ये थोड़ा अपन आगे चलते धीरे धीरे है ना। अब ये आप कार्विंग देखिए, ऐसा लग रहा है लकड़ी के ऊपर कार्विंग का काम किया गया, लेकिन लकड़ी के ऊपर नहीं, हमारे सिंगल सैंडस्टोन पीस पर बनाई गई ये डिजाइन। तो कार्विंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है देखो जरोखा बनाया गया, और गौर से नीचे को देखोगे तो लेडीज के कान की बाली वाली डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। सर अभी सर अपन आर्मरी के अंदर चलेंगे, इसके अंदर सारे गेट छोटे बनाए गए, छोटे गेट इसी वजह से बनाए गए जो भी राजा चाहते थे, जो भी उनसे मिलने आया हमेशा झुका रहे रेस्पेक्ट के तौर पर। और अंदर की जो भी आप छत देखोगे पूरी लकड़ी की बनाई गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ा सा उसको ठंडा रखने के लिए लकड़ी के ऊपर मिट्टी और गोबर का लेप किया गया है। और तीसरे जो अंदर के हथियार रखे गए वो सारे नेपाल काठमांडू से लाए गए, क्योंकि जो हमारे राजा थे उनका ससुराल नेपाल काठमांडू है, कम्बल है।